अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, ये मैं कनाल गार्डन सोसाइटी में हूँ। ये बैरिया टाउन के पास लाहौर में बहुत ही फेमस और अच्छी सोसाइटी है। ये 5 मल्ला का घर है फॉर सेल। तो इसका मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। ये इसका गेट है और ये गैराज है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। ये जंगला अच्छा लगाया हुआ इन्होंने ना, CNC सीक्वेंस। ये गेट है, ये बाहर लॉन है। ये बाथरूम है बाहर जो गैराज के आगे। ये कॉर्नर की इसमें खिड़की लगाई हुई है और ये इधर बड़ी गाड़ी करोला आ जाएगी। ये निशी बनाई हुई, इनमें डिज़ाइन है बहुत अच्छा। ये निशी में डिज़ाइन दिया हुआ है और ये दरवाज़े आप देखें, ये सॉलिड येलो पैन के और लैकर पॉलिश में। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ताले भी अच्छे लगाए हुए हैं SMC कंपनी के। ये इसका टीवी लॉन्च है, बहुत अच्छा। ये फनूस इसमें लगाया हुआ है और ये टाइल्स बहुत अच्छी हैं, उनमें ये डिज़ाइन किया हुआ है। मेरे जो व्यूवर्स पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर हैं वो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कैसे घर बनते हैं। ये 5 मल्ला का घर है, किनाल गार्डन सोसाइटी, बहरिया टाउन से पहले सुख चैन के सामने है। तो इसके बाद ये निशी है, ये देखें जी, इसमें बड़ा अच्छा वो डिज़ाइन किया हुआ है। ये मार्बल लगाया हुआ है, इसे मोज़ेक कहते हैं, मार्बल मोज़ेक। ये अच्छी स्विच प्लेटें लगाई हुई हैं चाइना ब्रांड की। तो बाकी मैं ये आपको सीलिंग दिखाता हूँ। ये टीवी लॉन्च है, ये टीवी लॉन्च है, काफ़ी बड़ा टीवी लॉन्च है। इधर आपकी अच्छी सीटिंग हो जाएगी, एल सोफ़ा, उसके अंदर टेबल। और ये अब मैं आपको ना ड्राइंग रूम दिखाता हूँ। कॉर्नर खिड़की है, दोनों तरफ पर्दा रीलिंग लगाई हुई है। ये छत पे वुड का काम हुआ है, छत पे सारी लकड़ी लगाई है सीलिंग, फॉर सीलिंग में। ये सामने कोई डेकोरेशन पीस वगैरह रखने के लिए और सामान रखने के लिए ये काफ़ी अच्छी निशी बनाई है और अच्छा डिज़ाइन है। ये कलमा शरीफ है जो कि शीशा में बड़ा अच्छा काम करवाया हुआ है, कलमा शरीफ लिखवाया हुआ है। तो ये जो है जो दरवाज़ा पार्टीशन का, टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम की पार्टीशन का। तो ये ओपन किचन है, ये आप देख सकते हैं ओपन किचन। बहुत अच्छा ये चूल्हा लगाया है, हुड लगाया हुआ है, इसके अंदर ये ऑन ऑफ का लैंप है। ये किचन की एग्जॉस्ट है ना, उसको बाहर करने के लिए। ये देखें जी, यूवी किचन में बना, ये यूवी शीट में सारा किचन। एक्सेसरी भी लगाई हुई है और ये हैंडल भी बहुत अच्छे लगाए हुए हैं अंदर। ये प्लेट्स वगैरह रखने की एक्सेसरी लगाई है। और ये जो है देखें, ये बोतलें वगैरह हैंग करने के लिए ये लगाई। और बहुत अच्छा ये खुला किचन है, ओपन किचन है। इधर आपकी ये फ्रिज भी, ये मार्बल स्लैब बहुत अच्छी लगाई है।
ये न्यू ब्रांड घर है, 5 मल्ला का, 3 बेडरूम का हाउस, कीज भी लगाई हुई है। और ये सालड़ दरवाजे हैं सारे ना, लकड़ी के वुडन के सालड़ दरवाजे हैं, ये देखें जो ताले लगाए हुए हैं वो भी बहुत अच्छे ब्रांड के, और डबल बैरिंग ताला, ये देखें ना। अच्छा जी, ये बेडरूम की अलमारी है यूवी, यूवी शीट में है साथ इसके स्टील की वो लगाई हुई है ट्रिम भी। ये बेडरूम की एलसीडी है, इधर एलईडी वगैरह लगा सकते हैं। और ये निश में वॉलपेपर है, ये निश का डिज़ाइन है। और इस बेडरूम की भी बहुत अच्छी सीलिंग हुई है। आपको अगर ये घर पसंद आए अपने कमेंट्स बताएं, मैं नंबर भी ये दे दूंगा, तो अगर आपने लेना है घर, बहुत अच्छी सोसाइटी है इधर साथ इसके, वो है पार्क, मस्जिद भी साथ है, मार्केट भी साथ है। ये जी वॉशरूम है, 5x9.5 का है ये, 5.5x9.5 कमोड़ लगाया हुआ है, पोटा के कमोड़ लगाए हुए हैं। बाथ एक्सेसरी, बाथ सेट बहुत अच्छे लगाए हुए हैं। तो ये वैनिटी है, ऊपर ये लाइट्स वगैरह लगाई हुई है। अब मैं आपको इसका ऊपर वाला पोर्शन दिखाता हूँ, तो आप ये देख लें सारा घर। ये इन्होंने सीढ़ियाँ इस तरीके से दी हैं कि अंदर से भी आप जा सकते हैं, और आपने रेंट आउट घर करना है तो बाहर से भी दरवाज़ा लगाया हुआ है। इधर पार्टीशन लग जाएगी, और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। ये बहुत अच्छा इन्होंने मार्बल लगाया हुआ है, इसका वो चाइना वरुण है, ये देखें इसकी ग्रेस बहुत है। ये जी आ गया ऊपर का टीवी लाउंज। ये ऊपर का टीवी लाउंज है, और ये एलईडी है, बहुत अच्छा इस पर वॉलपेपर किया हुआ है। ये काउंटर है, दराज साथ बनाए हुए। अब ये फ्रंट का बाथरूम है, ये फ्रंट का जो है बेडरूम है, इस पर भी कॉर्नर की खिड़की है। और इनकी बहुत अच्छा, मुझे नक्शा बहुत अच्छा लगा, इन्होंने जगह कोई फालतू ज़ाया नहीं की है। जो देखे ना ये अलमारी, उसके अंदर दे दिया बेडरूम के साथ, ये जो फ्रंट में है बेडरूम, और इसके अंदर बहुत अच्छी सेटिंग की, कमोड लगाया, वॉश बेसन। और ये देखें आपको टाइल बहुत अच्छी है इसका ना, टाइल का डिज़ाइन और टाइल की फिनिशिंग बहुत अच्छी लगाई। ये बाकी ये आपके सामने घर, ये टेरेस है, ये बाहर जाने के लिए ये टेरेस है, ऊपर ये डिज़ाइन है, तो काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। ये देखें ये टेरेस पे बहुत अच्छी ये टाइल लगाई हुई है, ये टेरेस का डिज़ाइन है। इधर आप कुर्सियाँ, मेज़ या कोई भी फंक्शन भी कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। ये देखें ये जंगल है सीएनसी, ये गली का व्यू है, काफ़ी बड़ा वाइड रोड है, सारे घर बने हुए हैं, अच्छी सोसाइटी है। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेडरूम की नीशी है, उनमें बहुत अच्छा वर्क किया हुआ। और ये जो है सामने 6x6 की नीच है, उस पर वॉलपेपर लगाया हुआ है, इधर ये मैट पेंट हुआ है। ये इसकी सीलिंग का डिज़ाइन है फ्रंट के बेडरूम का, काफ़ी अच्छे ये टाइटें वगैरह लगाई हैं घर की, एलईडी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा बेडरूम, ये है जी इसका दूसरा बेडरूम,
और इधर प्लाट की जो मैं आपको प्राइस बता दूं, ये ए ब्लॉक है, इधर सुई गैस बिजली पानी हर फैसिलिटी हर सहूलत मौजूद है। ये देखें जी, ये निश है, इसमें बहुत अच्छा ये पेंटिंग का काम पेंटर साहब ने किया हुआ है। ये भी 6x6 की निश है और ये इसकी फार सीलिंग है जो बेडरूम की है, मास्टर बेडरूम ऊपर का तीसरा, 3 बेडरूम है। ये अलमारी है, कोई वेस्टेज जगह नहीं की हुई, बहुत अच्छा नक्शा है, खुला हवादार माहौल। और ये इसका जी साथ अटैच वॉशरूम है। इसमें कमोड नहीं, इसमें सीट लगी हुई है, साथ ये टैंकी लगी है वाटर की। ये जी इसका किचन है ऊपर की मंजिल का, रेड एंड वाइट यूवी शीट में। ये किचन का डोर है, वो बहुत अच्छा इस पर भी डिज़ाइन किया हुआ है। सीलिंग के डिज़ाइन बहुत अच्छे इस घर के। ये आप देखें अपने कमेंट्स में, मुझे लाजमी बताएं कैसा लगा आपको घर। टाइलें बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी की टाइलें लगी हुई हैं। ये मार्बल स्लैब है, ये ऊपर की मंजिल का किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है। इधर आपकी वो फ्रिज भी आ सकती है। और ये इसका जो है टीवी लॉन्च, टीवी लॉन्च में भी सीलिंग काफ़ी अच्छी इन्होंने की हुई है। बाकी ये आपके सामने, अब ये ऊपर की मंजिल पे सारा मार्बल लगाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं ये आपको ऊपर वाली मंजिल पे लेके जाता हूँ। छत भी काफ़ी बड़ी है, ये इसकी ममटी है और ये स्टोर टाइप बना हुआ है, कोई भी सामान कोई भी चीज़ रखने के लिए। ये देखें जी, ये सारी छत पे मार्बल लगाया थ्रू आउट, 25-45 का इसका साइज़ है।